मुझे ये बताइए, तीन दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 ईयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का इसमें देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना? एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तराश करके देखा है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई मामा,